हे गाइस, कैसे हम सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। और आज हम बहुत ही ज्यादा दिनों बाद खेलने जा रहे हैं अपना रिटेल स्टोर सिमुलेटर। आप लोगों को पता होगा भाई, लास्ट वीडियो यार बहुत दिन हो गया मुझे खेले, तो मुझे याद नहीं यार कि लास्ट टाइम हमने क्या किया था। पर हाँ भाई, कुछ तो जरूर ही किया रहा होगा। पर आज हम बहुत कुछ करने वाले हैं इस वाले गेम में, क्योंकि भाई आ चुका है इसका अपडेट और अपडेट में आ चुकी है बहुत ही ज्यादा चीज। मतलब यार काफी ज्यादा चीज आई है, आप लोगों को एक एक करके बताऊंगा। और देखो, सबसे पहले आप लोग देख सकते हो अंदर से अपना शॉप जो वो थोड़ा बहुत आपको चेंज नजर आ रहा होगा। मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा बहुत चेंजेस हुए हैं। सबसे पहला चेंज मैं आप लोगों को बता दूं, तो जो अपना ये कैश रजिस्टर है भाई, इसको हम लोग मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, ये जो पहले से था ना ये परमानेंट एक जगह पर था, पर अभी हम इसको यहाँ से हटाकर दूसरी जगह ले जा सकते हैं। इसके अलावा भाई यहाँ पर देखो, अभी पूरा का पूरा फ्लोर आप लोगों को एक जैसा नजर आ रहा होगा आगे से लेकर पीछे तक। और इसके अलावा भाई इन्होंने कहा है कि एक विंडो इन्होंने जो है वो अपने स्टोर में ऐड करी है, पर वो विंडो कहाँ है भाई, थी तो इतनी ही विंडो। देखो इस तरफ जितनी लगी है विंडोज वही सारी थी, और बाकी जो अपना केचप और मेयोनीज थी भाई, और यहाँ पर देखो शैम्पू वगैरह जो थे। एक मिनट भाई, एक मिनट, पहले यहाँ पर सेटिंग में जाके मैं जो है ये रिजोल्यूशन फुल कर लेता हूँ और टेक्स्चर क्वालिटी हाई। ठीक है, हाँ तो मैं ये बोल रहा था जो शैम्पू वगैरह थे भाई ये सब छोटे छोटे थे, तो अभी इनका साइज भी बड़ा कर दिया है। और इधर जो अपना टूथपेस्ट था वो भी थोड़ा छोटा था, तो उसका साइज भी बड़ा कर दिया है। बाकी सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, देखो सारी की सारी चीज़ें हैं जो हमने लगाई थी। और अभी तो यहाँ पर काफ़ी कुछ करना है। एक मिनट, ये वाला अपना स्टोरेज रूम था जो कि पहले से ही था, मतलब ये स्टोरेज रूम नहीं है, ये अपना ऑफिस टाइप आप लोग कह सकते हो। देखो काफ़ी ज़्यादा सामान यहाँ पर पड़ा हुआ है, और जो अपना स्टोरेज रूम है वो सामने की तरफ है, वो आप देख सकते हो। अभी उसके अंदर भी जाएंगे हम लोग, और ये भी देखेंगे भाई कि क्या क्या नई चीज़ें आई हैं। तो चलो सबसे पहले ये वाले रूम में ही चलकर देख लेते हैं। देखो ये अपना स्टोरेज रूम है, थोड़ा छोटा है लेकिन हम इसको बाद में अपग्रेड कर सकते हैं, ऐसा सिस्टम दिया है इन्होंने। अभी हम कंप्यूटर में जाके चेक कर लेंगे। बाकी यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें पहले से ही पड़ी हुई हैं, और देखते हैं नया आइटम आया या फिर नहीं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अपने इसमें कस्टमाइजेशन में। तो कस्टमाइजेशन में देखो क्या है कि कुछ चीज़ें तो नई आई हैं, दिख रही है, जैसे कि यहाँ पर अपना जो शॉप है लेवल 2 तक ही था, लेवल 3 एक्सपेंड आ चुका है, इसको हम लोग बाद में करेंगे। और स्टोरेज एक्सपेंड लेवल 1, स्टोरेज एक्सपेंड लेवल 2, ये इतनी चीज़ें जो है वो अपने कस्टमाइजेशन में ऐड करी हैं इन्होंने, जो कि काफ़ी सही है। पर मुझे लगता है अभी जो है वो शायद सेकेंड फ्लोर नहीं आया है, वो देखेंगे हम लोग जब एक्सपेंड करेंगे तब पता चल जाएगा। बाकी यहाँ पर देखो जो आइटम्स वगैरह है वो यही थे, पहले भी यही थे और अभी भी यही है, बस एक चीज़ बढ़ी है वो है अपनी ग्रॉसरीज, इसमें फ्रूट और वेजिटेबल्स हैं जो कि अब हम लोग सेल करने वाले हैं ये भी। बाकी इसके अलावा यहाँ पर भाई देखो दो नया आइटम फर्नीचर्स में बढ़ गया है, एक तो भाई वेयरहाउस सेल्फ है, एक ग्रॉसरी सेल्फ है। तो ग्रॉसरी सेल्फ मैंने 4 यहाँ पर ऑर्डर कर दिए हैं, तो चलो इसको मंगवा लेते हैं। चलो भाई ये 4 मैंने ऑर्डर कर दिए हैं, और इसमें रखने के लिए चीज़ें भी हम लोग मंगवाएंगे। पहले एक मिनट चलकर अपना जो ये सेल्फ है ना इसको लगा देते हैं, और इसमें आलू प्याज वगैरह यही सब रखी जाएगी। और इसको मैं रखूँ कहाँ, मतलब यार जगह ही तो नहीं है अपने स्टोर में, फिर भी मैं इसको यहीं पर रख सकता हूँ ना ऐसे टर्न करके इसको एक बार, और हाँ यहाँ पर हम लोग लगा सकते हैं। वैसे 3 या 4 तो आ ही जाएगा, 4 नहीं तो 3 तो आ ही जाएगा। बाकी एक मिनट यहाँ पर रख कर देखता हूँ, आगे पीछे आने जाने की जगह भी रहनी चाहिए। यहाँ पर प्लेस कर दिया है, ठीक है, आ जा तो सकते ही हैं भाई। देखो इधर से भी जगह है और इधर से भी जगह है, बाकी यहाँ पर भी 2 सेल्फ तो और लग ही जाएगा, लगा कर देखते हैं। तो चलो ठीक है, ये सेल्फ लगा देते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पर हम लोग जो है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी मंगा लेंगे भाई सेलिंग करने के लिए। यही एक चीज़ की कमी थी, वैसे कमी तो अभी बहुत ज़्यादा चीज़ों की है, पर धीरे धीरे सारी कमी दूर हो जाएगी। तो ठीक है, यहाँ पर अभी गेम काफ़ी ज़्यादा सही हो चुका है, यहाँ पर अभी काफ़ी आइटम हो चुके हैं भाई सेल करने के लिए। तो अभी धीरे धीरे काफ़ी मज़ा आने लगा है भाई ये वाले गेम में, और काफ़ी तगड़ा ये गेम बन चुका है। तो चलो एक और उठा लिया है भाई, अभी तो 3 सेल्फ मैं यहाँ लगा रहा हूँ, चौथी जो अपनी सेल्फ है उसको हम लोग बाद में लगाएंगे, क्योंकि इधर अभी जगह मुझे समझ नहीं आ रही कहाँ पर लगाऊँ, तो देखते हैं बाद में। अभी फ़िलहाल यहाँ पर इसको लगा देता हूँ। एक मिनट यार, अभी ये एकदम जो है वो एकदम पास में एकदम सटी हुई नहीं लग पाएंगी, तो थोड़ा सा बीच में गैप तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये ठीक है। अभी फ़िलहाल इसमें मुझे लगता है कितना आइटम आ सकता है यार, कितने, 6, 7, 8 या 9, मुझे लगता है यार एक सेल्फ में ना 2 ही आइटम आ पाएगा, तो यानी कि 6 आइटम आ सकते हैं। तो चलो ठीक है, अभी यहाँ पर देखो इतनी जगह तो हो चुकी है, मतलब यार कस्टमर अभी काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, तो अभी क्या करना है कि हम लोगों को ना काफ़ी ज़्यादा आइटम्स पहले मंगवा लेने हैं। देखो यहाँ पर, एक मिनट भाई, यहाँ पर ये फिश कैन छोटा वाला 2 है, जबकि यहाँ पर फिश कैन नहीं था भाई, पी था भाई, वो पी वाला कैन था जो छोटा सा होता था ग्रीन कलर का, तो वो पता नहीं क्यों नहीं है। चलो देखते हैं उसको हम लोग लगा देंगे। बाकी इधर हम लोग सेल्फ लगा सकते हैं, पर अभी यहाँ पर मैंने खाली रखा है,
तो इसको छोड़ते हैं, सबसे पहले चलकर अपना भाई ग्रॉसरीज ऑर्डर करते हैं और वो हम लोग जो है वो लगाते हैं। तो चलो भाई, ये रहा अपना कंप्यूटर और ये रहा शॉप। चलो भाई सब ग्रॉसरीज ऑर्डर कर देते हैं। वैसे क्या इसमें बनाना है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि सबसे नंबर वन पे है भाई क्रेट ऑफ, पता नहीं भाई क्या यहाँ मैंगो है, यहाँ अनियन है, यहाँ पर भाई लेमन, यहाँ पर है कैरेट। तो वैसे पांच चीज़ें मंगा ली है मैंने, पांच से ज़्यादा एक बार में ऑर्डर होता नहीं, तो यहाँ पर कैरेट भी मंगवा लेते हैं। मुझे लगता है छः आइटम काफ़ी होगा, बाकी अभी यहाँ पर आगे काफ़ी चीज़ें हैं बनाना है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलो पहले तो भाई ये चीज़ें लगाते हैं, एक मिनट। ओ भाई ये कितना तेज़ी से काम कर रहे हैं भाई ये लोग, भाई पहले तो बहुत स्लो थे, अभी तो सही काम कर रहे हैं। और मैं ये सोच रहा हूँ भाई कि इनको मैं ये बोल सकता हूँ ना कि ये चीज़ ले जाकर आपको यहाँ पर रखना है, तो मैं वो कैसे करूँगा, मतलब वही वाला ऑप्शन मैं यहाँ पर अभी ढूंढ रहा हूँ कि अगर मुझे इनको बताना हो कि भाई तू यहाँ से सामान उठा और इसको ले जाके फलाने सेल्फ में रख, तो ये करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, समझ नहीं आ रहा है। अभी फ़िलहाल यहाँ पर मैं ही कर देता हूँ, ज़्यादा वेट करना मतलब ठीक नहीं रहेगा, मतलब अपना सामान बाहर ही पड़ा रहेगा, फिर कोई भी उठा के ले जा सकता है। तो चलो सबसे पहले लगाते हैं हम लोग मैंगो। तो ये रहा भाई मैंगो, एक सेल्फ में आ जाएगा। ओ भाई ये तो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, 12 पीस इधर और 12 पीस इधर। ओ भाई 24 पीस आ जा रहा है, इसका मतलब भाई हम लोग जो है टोटल 9 आइटम लगा सकते हैं भाई, एक सेल्फ में 3 आइटम, यानी कि टोटल 9 आइटम्स हम लोग लगा सकते हैं, तो जो कि काफ़ी सही चीज़ है। तो चलो ठीक है, अभी फ़िलहाल मैंने 6 ही मंगवाई है, आगे हम लोग और मंगवा लेंगे, दिक्कत वाली कोई बात नहीं। पर मैं ये सोच रहा हूँ भाई कि मैं इन लोगों को कैसे कमांड दूँ भाई, कैसे ऑर्डर दूँ कि बाहर से सामान उठा के लाओ सेल्फ में रखो। एक मिनट, इसको क्लोज करते हैं, अभी भी यहाँ पर ऑप्शन नहीं आया। एक मिनट यार, गलती से पीछे वाला आइटम मूव होने लगा है, इसको लगाता हूँ पहले। तो चलो ठीक है, ये तो हो गया, मुझे लगता है कहीं और सही होगा, मैं गलत कर रहा हूँ। तो देखते हैं भाई, अभी तो फ़िलहाल इसको छोड़ते हैं और खुद ही कर लेते हैं यार जो करना है। बाकी अपना यार ये लोग देखो आधा काम तो कर रहे हैं, मतलब कि आधा क्या ये लोग काम कर रहे हैं, उठा के ले जाके भाई जो है वो सेल्फ में लगा रहे हैं, पर जो खाली सेल्फ है उसमें ये लोग कैसे लगाएंगे ये मुझे समझ नहीं आ रही है, और ये कैसे होगा ये अभी तक मुझे समझ नहीं आया। देखते हैं आगे चल के भाई, पता चल जाएगा कैसे, तो मतलब कैसे ना कैसे तो हो गई, ये अपडेट आया है भाई, डेवलपर्स ने बताया है। चलो अभी तो देखते हैं भाई आगे हो सकता है हम लोगों को पता चल जाए, अभी मैं कुछ तो भाई भूल रहा हूँ, कुछ तो गलत कर रहा हूँ, बाकी फ़िलहाल अभी खुद ही कर लेते हैं भाई, गलती कर रहे हैं तो भाई उसको भुगतना तो पड़ेगा ही। तो चलो ये क्या है भाई, ये चीकू है क्या, या फिर कुछ और है, या फिर पोटैटो है, पता नहीं, एक मिनट अभी देख लेंगे कि ये क्या है। तो चलो भाई 24 पीस ये भी है, और ये क्या है मुझे पता नहीं भाई, मुझे देखो या तो पोटैटो लग रहा है यानी कि आलू, या तो चीकू भाई एक फल होता है वो लग रहा है, तो दो में से एक ही लग रहे थे मुझे। और चीकू को इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई, ये तो कतई मुझे पता नहीं है, पूछ मत लेना तुम लोग, और अगर किसी को पता होगा तो कमेंट में बता देना, वो अलग बात है। एक मिनट यार, चलो इसको लगाते हैं यहाँ पर। अभी ये क्या है भाई, ये तो नींबू जैसा लग रहा है मुझे, लग रहा है हाँ ये नींबू, ये लेमन, ये लेमन है भाई। तो चलो ठीक है देखते हैं। ओ भाई एक लेमन का प्राइस अबे $13 भाई, कुछ ज़्यादा ही महंगा नहीं है, सही है यार भाई, एक नींबू $13 का भाई, इतने में तो यार घर चला जाएगा, केवल नींबू खरीदते खरीदते ही पूरा घर बिक जाएगा। तो चलो अगला ये क्या है भाई, ये है मेरे ख्याल से पता नहीं क्या है, पता नहीं शायद नहीं टोमेटो है शायद से भाई, रेड कलर का, हाँ टोमेटो ही तो होगा। तो चलो ये $9 का टोमेटो भाई, काफ़ी महंगाई है यार अपने यहाँ पर, अपने इस वाले सिटी में काफ़ी ज़्यादा महंगाई भाई, एकदम चरम सीमा पर चल रही है। चलो इसको उठाते हैं, और ये अपना अनियन यानी कि प्याज, तो चलो प्याज लगाते हैं इधर, और ये भी मुझे लगता है 24 पीस ही है, हाँ ये भी 24 पीस है, एक क्रेट में 24 पीस है। तो चलो भाई इसका प्राइस देखते हैं भाई कितना प्राइस, ओ भाई ओ $17, अबे भाई $17 कुछ होता है यार भाई, बड़ी महंगाई है यार। चलो ठीक है, ये अगली चीज़ क्या है, ये मुझे लग रही है, एक मिनट रखेंगे, ओ भाई कैरेट है, मुझे लगा ही था ये कैरेट जैसी लग रही है, और ये भी 24 पीस है, तो चलो इसको भी लगा देते हैं और इसका भी प्राइस सेट कर देते हैं फटाक से। तो चलो भाई ये $9 का है, तो ठीक है भाई अपने को बिजनेस से मतलब है, महंगी है चीज़ें सस्ती है उससे हमें कतई मतलब नहीं है, तो ठीक है अपना बिजनेस चलना चाहिए बस। तो इतनी सारी चीज़ें तो हो चुकी हैं, बाकी यहाँ पर भी काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई है, तो एक काम करते हैं हम लोग अपना जो वेयर हाउस सेल्फ है ना उसको मंगा लेते हैं, और उसके बाद फिर जो है उसमें ये चीज़ें रख देंगे। तो कितनी मंगाऊँ मैं, 3 या 2 मंगा लेते हैं यार, 3 तो ठीक रहेगा अभी के लिए, बाद में फिर और मंगा लेंगे, वैसे महंगी भी काफ़ी ज़्यादा है, $350 से ज़्यादा की एक है। तो इसको कर देते हैं क्लोज़, ओ सॉरी क्लोज़ था, ओपन मैंने अभी किया है, बीच में मैंने क्लोज़ कर दिया था ना। तो चलो ठीक है, इसको लगाते हैं भाई ये वाली सेल्फ को, और ये सीधी है या उल्टी, एक मिनट भाई प्लेस करके देख लेते हैं। ओ भाई ये तो सीधी है,
तो चलो ठीक है अगली उठाते हैं। 3 सेल्फ अभी मैं लगा रहा हूँ, और अगर मतलब और की तो ज़रूरत पड़ने ही वाली है तो हम लोग और भी अभी मंगवा लेंगे, पर अभी के लिए फ़िलहाल 3 से काम चलाना पड़ेगा। वैसे पैसे अपने पास हैं भाई और ज़्यादा मंगवाने के लिए, ऐसी कोई बात नहीं है कि पैसे की कमी है। तो चलो इसको लगाते हैं, ये दूसरी वाली थोड़ा सा आगे, ये ठीक है मुझे लगता है भाई ये ठीक है। हाँ ठीक है, तो अभी अगली भाई लास्ट है अपनी सेल, बाहर पड़ी हुई है इसको उठाते हैं। अगर ये लोग भाई सेल्फ भी उठा कर लगाएं तो अपने जो एम्प्लॉई है, नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर वो लोग उठाकर भाई कहीं पर भी रख देंगे और फिर जितने लोग भी ये गेम खेलेंगे भाई सबका स्टोर एकदम सिमिलर दिखेगा एक जैसा ही, तो किसी का कुछ अलग दिखेगा ही नहीं। तो ये ठीक है भाई, खुद से ही सेल्फ वगैरह अपना लगाओ। तो ठीक है इसको रख देते हैं, चलो ये भी हो गया। अभी उठाते हैं यहाँ से भाई आइटम्स और फिर जो है उनको जो है उठा के इसमें रख देते हैं। बाकी एक मिनट भाई, ये रहा अपना आइटम, इसको उठाओ और ये है यहाँ पर रख देते हैं। और इस तरीके से ओ भाई ये ऑटोमेटिक ही घूम गया यार, मुझे लगा ऐसे रखा जाएगा तो 3 तो आएगा भी नहीं, अब आ जाएगा। और अपनी ये सेल्फ थोड़ी मतलब उल्टी भी थी, तो ठीक है इसको सीधा कर देते हैं। इसका जो पीछे का हिस्सा था ना वो आगे रहना चाहिए। हाँ ये ठीक है अभी, तो ठीक है अभी यहाँ पर इतने में आ सकता है अपना 36 आइटम्स आ सकते हैं यहाँ पर। तो ठीक है लगा देते हैं फटाफट से इनको, ये नीचे रख देता हूँ तो ये भी घूम गया भाई ऑटोमेटिक। तो चलो फटाफट से इसको रख देते हैं, उसके बाद करते हैं अपना दूसरा कोई काम। तो चलो ये तो हो गया भाई, सारा आइटम मैंने यहाँ पर रख दिया, वैसे ज़्यादा तो आइटम था भी नहीं। बाकी अभी चलते हैं, हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आइटम्स अभी प्रोडक्ट खरीदना है हम लोगों को, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया भाई सारे प्रोडक्ट परचेस किए हुए। तो अभी बहुत सारे ऐसे हैं जो आधे से भी कम बचे हुए हैं, तो उन लोगों को हमें फिल करना है। पर उससे पहले मैं देख लेता हूँ भाई कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स जो है वो अपने पास नहीं है। जैसे कि ये सारे तो लगभग है, पर यहाँ पर ये ग्रीन वाली बॉटल ख़रीदनी है, और इधर ये भाई क्लीनिंग का जो डिटर्जेंट है ना इसको हमें ख़रीदना पड़ेगा। बाकी इधर ब्रेड वगैरह हो गया, इधर भाई जो एग्स हैं, अंडे भाई ये भी हमें ख़रीदना पड़ेगा तीनों, मतलब जो मीडियम है स्मॉल है और जो लार्ज वाला है तीनों। उसके बाद यहाँ पर ब्लैक कॉफ़ी, उसके बाद भाई इधर यहाँ पर ये ऑयल भी है, और मतलब लगभग सारी की सारी चीज़ें हम लोगों को परचेस करनी है। इधर ये चिप्स है, और इसके अलावा भाई इस तरफ देखे तो इधर भी है, मतलब लगभग लगभग हमें सारे ही सारे आइटम जो है वो परचेस करने ही पड़ेंगे। बाकी यहाँ पर ये कोका कोला है, ये भी थोड़ा कम हो चुका है, और इधर भी कुछ आइटम्स हैं जैसे कि नीचे वाले में भी कुछ आइटम था वो नहीं है। बाकी इसके अलावा ठीक है भाई, अभी ग्रॉसरी के लिए जितने भी फ्रूट और वेजिटेबल बचे हुए हैं वो सारे भी हमें ख़रीदने हैं। तो चलो ठीक है शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या ख़रीदना चाहिए, सबसे पहले मैं ये चिप्स ख़रीद लेता हूँ, क्योंकि भाई ये वाली चिप्स जो है वो ख़त्म है। और उसके बाद इधर ये स्नैक्स जो है, और उसके बाद भाई यहाँ पर एक ब्रेड, और उसके बाद यहाँ पर भी हमें ये वाला स्नैक और इधर ये मिल्क, इसको पहले हम लोग जो है वो ऑर्डर कर देते हैं, उसके बाद जो है वो हम लोग करेंगे। ये हो गया हाँ, तो उसके बाद यहाँ पर ये ब्लैक कॉफ़ी हो गई, और इधर ये वाला जो आइटम है इसको रहने देते हैं। बाकी हाँ यहाँ पर एक ये बड़ा वाला, एक ये मीडियम, और उसके बाद एक मिनट भाई एक ब्रेड ऊपर था ना, ये है ब्रेड और नीचे भी ब्रेड है यार, दो ब्रेड तो पहले नहीं थे, ये नया ऐड किया, ये बिग ब्रेड है, मतलब कि यार ये थोड़ा बड़ा वाला है। तो ठीक है इसको भी हमने मंगवा लिया है। बाकी चलो ठीक है, इतनी सारी चीज़ें अभी आ चुकी हैं यहाँ पर। और इसके अलावा देखा जाए तो भाई अपने फ्रीज़र में रखने के लिए भी काफ़ी चीज़ें हमें लेनी पड़ सकती है यहाँ पर, चीज़ वगैरह। तो चलो यहाँ पर मैं लाइन से ही ख़रीद लेता हूँ सारा आइटम एक एक करके, और एक मिनट इसको ऑर्डर करते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये एक चीज़ और है, ये स्लाइस है, और ये योगर्ट, फ्रूट योगर्ट, प्लेन योगर्ट, और ये वनीला योगर्ट। तो इतनी चीज़ें जो है वो मैंने ऑर्डर कर दी हैं, ये सारी चीज़ें आ गई होंगी। तो चलो ये चलकर देख लेते हैं बाहर भाई सारी चीज़ें आ गई हैं या फिर नहीं। तो भाई सारा सामान आ चुका है, और अभी इसके बाद हमें जो है वो परचेस करना है, काफ़ी ज़्यादा अभी नए नए आइटम हमें परचेस करना पड़ेगा। बाकी देखो भाई उस बंदे ने एक मिनट यहाँ पर तो ला के कुछ रखा नहीं, देखो वहाँ से बाहर से वो लोग सामान उठा रहे हैं भाई अपने सेल्फ में लगा रहे हैं, लेकिन वो ले जाके अंदर स्टोरेज रूम में नहीं रख रहे हैं, ये क्यों हो रहा है ऐसा, मतलब ऐसा तो नहीं होना चाहिए, उसको वापस से स्टोरेज रूम में रखना चाहिए ना जो बचे हैं। पर ये मुझे लगता है भाई ये लोग बाहर ले जाके रख रहे हैं, या फिर सारा का सारा ही इसमें ख़त्म हो गया। अब क्या है कैसे है भाई वो तो अभी पता चल जाएगा थोड़ी देर में, जब और भी ज़्यादा आइटम्स ये लोग लगाएंगे और फिर उसको यहाँ नहीं रखेंगे, देखते हैं कहाँ रखते हैं। वैसे अगर बॉक्स में एक भी बचा है तो उसको स्टोरेज रूम में ही रखना चाहिए अपने एम्प्लॉई को, पर भाई मुझे लगता है ये लोग बाहर ही ले जाके रख दे रहे हैं। क्योंकि देखो यहाँ पर अभी कुछ चीज़ें और मंगवा लेते हैं हम लोग, उसके बाद बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्लीनिंग के लिए जो है वो यहाँ पर एक ये हो गया, इसको मंगवाते हैं।
और इसके अलावा देखा जाए तो लगभग चीज़ें अभी हैं, टूथपेस्ट मंगवा लेता हूँ चलो। और इसके बाद यहाँ पर अपनी फ्रीज़र में रखने के लिए भाई जो है वो मीट वगैरह है, और ग्रॉसरी मंगवा लेते हैं। एक मिनट, यहाँ पर 6 आइटम मैंने मंगवा रखा था, तो यहाँ पर अभी एवोकाडो, पेरी, पोटैटो, एप्पल और बनाना, ये 5 चीज़ और थी जो मैंने अभी ऑर्डर कर दिया। ये 5ों चीज़ें भी आ गई होंगी, ये तो हमें ही सेल्फ में लगाना पड़ेगा क्योंकि भाई वो वाली सेल्फ अभी खाली है। और इनको ऑर्डर कैसे करना है, कमांड कैसे देना है, ये अभी मुझे पता नहीं चला है, पर दिक्कत वाली कोई बात नहीं, अभी के लिए हम ही थोड़ा काम कर लेते हैं। ये भाई अपना पोटैटो है, देख सकते हो आप लोग भाई, आलू, तो यहाँ पर इसको लगा देते हैं और इसका प्राइस रीसेट कर देते हैं। और इसका भाई प्राइस जो है वो लगभग शायद $9 था, पता नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो चलो इसको यहाँ पर भी फेंकते हैं डस्टबिन में। ये वाला जो अपना है क्रेट, और ये अगले क्रेट में क्या है भाई, ये है एवोकाडो, ये एवोकाडो है, और ये क्या होता है पता नहीं क्या होता है भाई, एवोकाडो लिखा था तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। बाकी ये भी 24 पीस है तो इसको भी रख देते हैं, और इसका भी प्राइस सेट कर देते हैं फटाफट। अभी इसके बाद जो है वो बचा हुआ है अपना एप्पल, बनाना, और एक और था वो पेरी, एक पेरी था हाँ। तो 3 आइटम अभी और बचे हुए हैं, उसके बाद भाई मतलब सारे के सारे आइटम समझ लो हमने रख दिए हैं अपने ग्रॉसरी वाले जितने भी आइटम थे। तो ये क्या है भाई, ये है बनाना, तो चलो भाई बनाना भी इसमें रख देते हैं। टोटल 24 बनानास भी होंगे, यानी कि 24 भाई 2 दर्जन बनाना है, तो ये $13 का वो भाई, ये भी काफ़ी महंगा है, पर हमें क्या, इसको अभी फेंकते हैं। यहाँ भाई रात भी हो चुकी है और अभी हम लोगों को जो है वो अपना डे एंड भी करना पड़ेगा, पर उससे पहले अपना शॉप करते हैं क्लोज। और अभी जो और भी ज़्यादा पड़ी हुई है चीज़ें, एक मिनट भाई, उसको रखने के लिए सेल्फ भी लगाना पड़ेगा ना, एक सेल्फ ये रहा, तो ये वाला सेल्फ मैं उधर ही पीछे की तरफ लगाने वाला हूँ, क्योंकि भाई आगे तो इधर बगल में कहीं साइड में जगह है नहीं, तो इसी के जस्ट बगल में एक ही सेल्फ लगाएंगे, इसके अलावा और नहीं लगाएंगे। तो इसको यहाँ पर हम लोग प्लेस कर देते हैं, तो ये ठीक है, बाकी इधर से आने जाने की जगह है ही चारों तरफ से, तो दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं होने वाली। और ये रहा भाई अपना एप्पल, एप्पल काफ़ी फ्रेश लग रहा है भाई, ये काफ़ी सही तरीके से मतलब जल्दी ही बिकेगा, काफ़ी फ्रेश एप्पल लग रहा है देखने में, आप लोग भी देख सकते हो यार। तो ठीक है, ये हो गया एक चीज़, और इसके बाद एक आइटम अभी और बचा हुआ है जो कि है अपना पेरी, तो पेरी भी हम लोग लगा देते हैं। उसके बाद देखते हैं भाई और जो आइटम है भाई, और जो बाकी अदर आइटम्स हैं वो तो अपने जो एम्प्लॉय है भाई, अपने हेल्पर है, वो तो कर ही रहा है, तो उसका दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं है। तो भाई चलो, ये रहा अपना, ये पेरी है या फिर वो है, अरे यार पियर है भाई, पता नहीं क्या है, वैसे लिखा तो शायद पेरी ही था भाई जब मैं ऑर्डर कर रहा था, तो जहाँ तक मैंने देखा था मुझे याद आ रहा है पेरी ही लिखा था। बाकी चलो ठीक है, चाहे जो हो, बिकना चाहिए, पैसे आने चाहिए बस। फिलहाल चलकर भाई ये वाला जो क्रेट है इसको भी फेंकते हैं भाई इसके अंदर। तो ठीक है, अभी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बॉक्सेस बाहर पड़े हुए हैं और इन लोगों ने अंदर एक भी बॉक्स लाकर रखा नहीं है, इसका मतलब है कि भाई एक बार मुझे बॉक्स अंदर लाकर रखना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल यहाँ पर कुछ और आइटम्स हम लोग मंगवा लेते हैं। वैसे कौन सा आइटम यहाँ पर हमें मंगवाना चाहिए, तो यहाँ पर देखो फ्रीज़र में रखने के लिए मुझे लगता है ज़्यादा आइटम मंगवाना सही नहीं होगा, क्योंकि मतलब ख़राब तो हो सकता है, बाकी फ्रीज़र में अभी अपना आइटम पड़ा हुआ है, ज़्यादा कमी नहीं आई है वहाँ पर। बाकी क्लीनिंग के लिए एक यहाँ पर हम लोगों ने डिटर्जेंट ले लिया है, और उसके बाद इसको ऑर्डर कर दिया है। और उसके बाद यहाँ पर फ्रीज में रखने के लिए तो कुछ चाहिए नहीं, यहाँ पर जो फ़िश है इसको हम लोग मंगवा लेते हैं, बिग कैन ऑफ फ़िश, तो चलो एक फ़िश का बड़ा वाला कैन मंगवा लिया है। और उसके बाद भाई केचप यहाँ पर हमने कह दिया है, और मैं क्या सोच रहा हूँ कि यहाँ पर और वैसे तो कोई चीज़ मंगवाने लायक है नहीं, ऑरेंज जूस एक कर दिया हूँ, और उसके अलावा एक चीज़ अभी बची हुई है, मेयोनीज हो जाएगा। तो चलो ठीक है, ये इतनी चीज़ें हो गई, और मैं एक चीज़ सोच रहा था कि यहाँ पर जो अपना स्नैक्स है, स्नैक्स में तो ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, बाकी यहाँ पर अपना भाई ड्रिंक्स वाले में भी ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, पर एक एक मैं जो है वो मंगवा देता हूँ सारी की सारी चीज़ें। तो चलो ठीक है, ये इतना हो गया, और इसके अलावा तो अभी मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा चीज़ें मंगवाने की ज़रूरत अभी होने वाली है, और क्योंकि लगभग हाँ मतलब अपना यार सुपरमार्केट में काफ़ी आइटम पड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि कमी है। बाकी हाँ, यहाँ पर वो जो अपना बिग ब्रेड करके था ना, उसको हम लोगों ने मंगवाया था, तो वो कहाँ गया, उसको उठा के लाते हैं। और भाई एक सेल्फ अपना खाली पड़ा हुआ है, तो उसमें रख देते हैं, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये रहा, हाँ ये रहा भाई बिग ब्रेड, ये नीचे वाले में, तो चलो ठीक है। ओ भाई ये काफ़ी बड़ा पैकेट है, ऊपर से ही ब्रेड दिख रहा है, इधर छोटे वाले में नहीं दिखता है, छोटे वाले में पैकेट ही दिखती है, तो चलो इसको रखते हैं। ओ हाँ भाई ये काफ़ी बड़ा है, देख सकते हो आप लोग भाई, काफ़ी लंबा है और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ब्रेड है, इसको हम लोग $8.3 का सेल करने वाले हैं, तो चलो ठीक है। अभी यहाँ पर वैसे मुझे और 3 स्टैक मंगवाना पड़ेगा अपना ये बिग ब्रेड, तभी यहाँ पर जो है वो अपना जो सेल्फ है वो पूरा भर पाएगा, क्योंकि हाँ 3 स्टैक तो लगेंगे ही। तो चलो यहाँ पर ऑर्डर कर देते हैं और फटाफट उसको जो है वो लगा देते हैं।
तो कांगे अपना जनरल में है, बिग ब्रेड ये रहा भाई, तो तीन इसको हम लोग ऑर्डर कर देते हैं। तो चलो इसको हम लोग मंगवा लेते हैं। तो ये भाई आइटम अपना आ चुका है, फटाफट चल के इसको लगा देते हैं फटाक से। कहाँ गया कहाँ गया, ए ये रहा भाई बिग ब्रेड। चलो उठाते हैं इसको और फटाक से चल के लगाते हैं। और बाकी अपने जो एम्प्लॉय हैं भाई, ये काफ़ी तगड़ा मतलब सही यार फास्ट काम कर रहे हैं। पहले तो बहुत स्लो करते थे, मतलब बहुत धीरे धीरे चलते थे, उसके बाद फिर आते थे उठाते थे, फिर थोड़ा वेट करते थे, तो ऐसे में टाइम लगता था। पर हाँ अभी भाई ये लोग काफ़ी सही काम कर रहे हैं, स्पीड इन सबकी काफ़ी ज़्यादा सही हो चुकी है, तो ये एक अच्छी बात है। काम जल्दी जल्दी हो रहा है क्योंकि भाई काम तो बहुत ज़्यादा है, तो मुझे लगता है भाई एक दो वर्कर तो और हमें जो है वो हायर करना ही पड़ेगा। तो चलो अभी यहाँ पर ब्रेड हमने ये लास्ट वाला है इसको भी रख देते हैं, उसके बाद ये तो पूरा हो जाएगा। तो चलो भाई यहाँ पर ब्रेड हमने पूरा रख दिया, पूरा सेल भर दिया, छोटा बड़ा सारा ब्रेड आ चुका है। तो अभी ब्रेड की और दूध की तो कमी होने वाली नहीं है, और कॉफ़ी भी जो है वो यहाँ पर पूरी रखी हुई है। तो अभी के लिए मैं क्या सोच रहा हूँ कि इस वाली वीडियो में बस इतना ही करते हैं। अगर आपको वीडियो बढ़िया लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।